माँ भवानी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए आज एक बहुत ही विशेष विषय पे बात करने की आवश्यकता लग रही है। प्रायः देखा जाता है कि लोग नवरात्र करते हैं, नवरात्र प्रतिपदा के दिन से प्रारंभ किया, माताओं का आवाहन किया और अपनी शक्ति के अनुसार लोग उपवास रखते हैं, जिस प्रकार से भी हो माता को सभी स्वीकारे हैं। लोग भूल क्या करते हैं, नवरात्र में नवमी के ही दिन हवन करते साथ ही साथ विसर्जन कर लेते हैं। वो विसर्जन मानसिक रूप से हो या पूरा धार्मिक तरीके से हो, जैसा भी हो, लेकिन उस दिन अपनी छुट्टी कर लेते हैं, ऐसा ज़्यादातर देखा गया है। समझने की बात है, नवरात्र बोलते हैं हम, नौ दिन नौ दिवस नहीं बोलते, नवरात्र यानी रात्रि की प्रमुखता है। दूसरा पक्ष है, नवरात्र में हम माता नौ दुर्गा प्रथम शाल पुत्री चतुर्थ ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटा को समानता, इस प्रकार से हम माता नौ दुर्गा की आराधना करते हैं एक एक दिन में एक देवी का। और उसी प्रकार नवम दिवस, यहाँ समझने की बात है, नवम दिवस या नवमी की रात्रि को माता सिद्धिदात्री का आवाहन पूजन करते हैं। साथ ही साथ यह भी समझें कि हमारे हिंदू मैथोलॉजी के दृष्टिकोण से हम एक दिन, जो दिन की जो गणना करते हैं, प्रातः सूर्योदय से लेकर अगले दिवस के सूर्योदय तक एक दिन माना जाता है। अगले दिन की सूर्योदय के ठीक पूर्व समय तक पिछले दिन ही मान्य होता है, अगले दिन की सूर्योदय के बाद ही वो फिर दूसरा दिन की गणना की जाती है। यानी आज सारी रात कल प्रातः सूर्योदय तक हमारा आज की ही तिथि है, चाहे जो तिथि भी माना जाए। पुनः आता हूँ सिद्धिदात्री और महानवमी की बात। महानवमी को यदि आपने हवन किया तो कोई बात नहीं है, आपके पाठ संपूर्ण हो गए, पाठ विराम हो गया, पाठ की पूर्णता के लिए आपने पूर्णाहुति की, हवन किया, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। किंतु आज की रात यानी महानवमी की रात माता सिद्धिदात्री आज की रात हमें पुरस्कार प्रदान करने आ रही है कि हमारा बच्चा, हमारा बालक या साधक हमारी नौ दिनों तक तपश्चर्या करी, बहुत ही कष्ट के साथ में एक समर्पण भाव से किया, जाने अनजाने या भूल या चूक हुई कि नवमी की रात को जब माता आएंगे सिद्धिदात्री, किंतु उसके पहले ही वो साधक मानसिक रूप से जैसे भी हवन भी किया और विसर्जन भी कर लिया, अपना दिन अपनी दिनचर्या सामान्य कर लिया, यानी वो व्रत तोड़कर बाहर आ गया, भंग हो गई आपकी अनुष्ठान। यहाँ स्मरण रहे, हवन आप महानवमी को करें, दशमी को करें, ये बहुत बड़ा विषय नहीं है, आप महानवमी के दिन भी कर सकते हैं पाठ संपूर्णता के बाद, और उसके बाद दसवीं को भी कर सकते हैं। किंतु मुख्य रूप से आपका जो विसर्जन होगा, या वो कलश के विसर्जन हो, मंत्र विसर्जन हो, मानसिक विसर्जन हो, जो जिस प्रकार से कर रहे हैं, तो विसर्जन दसवीं के दिन हो, जिस प्रकार प्रतिपदा के दिन माता को हमने आवाहन किया था, अब माता को हम विसर्जन करेंगे, अपने अनुष्ठान का विसर्जन कर माता को विदाई के लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तब जाकर हमारा यह अनुष्ठान संपूर्ण हुआ। तो जिस प्रकार, जिस भाव से माता को हमने आवाहन कराया, बुलाया, अब इसके बाद उन्हें विदाई देने के बाद ही हम पारण करेंगे और दिनचर्या को अपने सामान्य रूप से वापिस संभालेंगे। पुनः स्मरण रहे, हवन जिस दिन आप कर ले, महानवमी को करें, दसवीं को करें, कुछ भी कर किया जा सकता है, ये बड़ा विषय नहीं है। किंतु नवम सिद्धिदात्री रात्रि का वो दिन और वो रात, नवमी की रात बहुत ही विशेष है। संभव हो तो जागरण करके मंत्र पाठ इत्यादि में ही
सारी रात व्यतीत करनी चाहिए इस आशा में कि आज माँ की अनुकंपा माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त होना है। और दसवीं को विसर्जन माता की विदाई और फिर आपका पारण दिनचर्या सामान्य होना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। यदि अच्छा लगे कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बीच बीच में आपको इस प्रकार से मेरी कोई भी जानकारी है जो सीखा हूँ मैं आपके समक्ष साझा करता रहता हूँ। ओम दुंग दुर्गाय नमः। माता आपको भक्ति शक्ति प्रदान करें आनंद में डूबते रहें।